दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, साइड में दिए गए इस घंटे के बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिल सके। व्रत से पहले कर ले पूजन सामग्री का इंतजार। आपको बता दें कि हिंदू धर्म में मां दुर्गा की नवरात्रि के पर्व को बहुत ही खास माना जाता है। यह व्रत व्यक्ति के जीवन में सुख शांति और समृद्धि लाता है। वहीं हिंदू धर्म पंचांग के मुताबिक इस बार शारदीय नवरात्रि 29 सितंबर से शुरू होकर 7 अक्टूबर तक रहेगी। वहीं अब इस बार नौ दिनों तक मां की उपासना की जाएगी। वहीं 8 अक्टूबर को धूमधाम के साथ विजयदशमी यानी कि दशहरा का पूर्व मनाया जाएगा। इसके अलावा 8 अक्टूबर को यही दुर्गा विसर्जन की भी किया जाएगा। नवरात्रि शुरू होने से पहले भी ही कुछ विशेष पूजन सामग्री घर में ले आए, तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि नवरात्रि में आपको किन चीज़ों की आवश्यकता होगी होनी चाहिए। जानिए देवी पूजन की विशेष सामग्री। बता देगी माता की मूर्ति या फिर तस्वीर की स्थापना के लिए चौकी, तस्वीर या मूर्ति चौकी पर बिछाने के लिए लाल या पीला कपड़ा, देवी माँ पर चढ़ाने के लिए लाल रंग की चुनरी या साड़ी, 9 दिन पाठ के लिए दुर्गाष्टमी किताब, कलश, ताज़ा आम और पत्ते, धुले हुए पुष्प की माला या फिर पुष्प, एक जटा वाला नारियल, पान सुपारी, इलायची, लौंग, कपूर रोली, सिंदूर, मौली चावल। जानिए अखंड ज्योति जलाने के लिए सामग्री, पीपल या मिट्टी का साफ दीपक, देसी घी, लंबी बत्ती के लिए रूई या बत्ती, दीपक पर लगाने के लिए रोली या सिंदूर, घी में उडालने और दीपक के नीचे रखने के लिए चावल। 9 दिनों के लिए हवन सामग्री, हवन कुंड, आम की लकड़ी, हवन कुंड पर लगाने के लिए रोली या सिंदूर, काले तिल, चावल, जो धूप, चीनी, 5 मेवा, घी, लोबान, गुगल, लौंग का जोड़, कमल, गट्टा, सुपारी, कपूर। हवन में चढ़ाने के लिए प्रसाद की मिठाई और नवमी को हलवा पूरी। धन्यवाद दोस्तों।